शेयर करो सभी ग्रुप में। अच्छा उसके वो भी यश में ही करो। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का महाकौशल क्लास मंडला के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के अंतर्गत जो टॉपिक है हमारा वह है नॉमेनक्लेचर। देखिए बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक को यदि आप समझ बनाओगे, इमेजिनेशन करोगे तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत आपके मन में जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां होंगी कि इसी के अंतर्गत जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आता है तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, इसकी क्या विशेषता है और इसकी एक्चुअल में आवश्यकता क्यों पड़ी हमें कि प्रत्येक जीव या प्रत्येक प्लांट का हमें अलग अलग साइंटिफिक नाम याद रखना पड़ रहा है। तो यही सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट आ जाए और हमें ताकि हम लोग क्लास कंटिन्यू कर सकें। आप सभी लोग आपके जो भी ग्रुप हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो या जो भी स्टडी करते हो आपके फैमिली में, सभी में सेंड कर दीजिए। चलिए चलिए हम देखेंगे आज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत हम देखेंगे, नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वह है जो नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बाइनोमियल। क्या है टॉपिक का नाम, यहां पे मैं लिखता हूं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं। शांति श्याम गुड इवनिंग शांति जी, सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं और फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं आप लोग का ताकि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी विद्यार्थी का जो टॉपिक है वो छूटे ना। यदि क्लास आगे बढ़ जाती तो फिर प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये बेसिक है। क्या बेसिक टॉपिक है, इसके जो बेसिक टॉपिक है बेसिक बातों पर ही हमें ध्यान देना होगा। आपको आज मैं बहुत कम बातों में बहुत अच्छा समझा दूंगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। इसे यदि हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे किस नाम से जाना जाता है, द्विनाम पद्धति। किस नाम से जाना जाता है, द्विनाम पद्धति। और इस द्विनाम पद्धति, आपने नाम तो सुना ही होगा कि द्विनाम पद्धति के जनक या कैरोलिस जो द्विनाम पद्धति है बाइनोमियल क्लेचर। क्या है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, किसने दिया, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था कैरोलस लिनियस
या कॉर्लिनियस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखें इनका जो नाम था वह था, इसे मैं हिंदी में लिखता हूं, इनका नाम था कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। यदि हिंदी में बात करें तो इनका नाम होगा कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने, इन्होंने ही क्या द्विनाम पद्धति दिया था, कैरोलस लिनियस। इन्होंने ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है कब दिया था, तो डेट याद रखिएगा, इन्होंने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसे दिया था 1758 में। कब दिया था याद रखिएगा, 1758 में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। अब बात आती है कि जो नोमेनक्लेचर के अंतर्गत, नामकरण के अंतर्गत जो हम द्विनाम पद्धति पढ़ रहे हैं, वास्तव में द्विनाम पद्धति क्या है और इसकी क्या उपयोगिता पड़ी हमारे जीवन में और एक्चुअल में इसकी क्या विशेषताएं हैं, यही हम जानेंगे। आप मेरी बातों को समझिए, मेरे बातों को समझिए, मेरे प्रत्येक वर्ड को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है इंटरनेशनल लेवल पर नामों की विभिन्नताओं को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी। क्या थी समस्या थी, इस समस्या को दूर करने के लिए 1758 में एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम था कैरोलस लिनियस, इन्हें ही कार्ल लिनियस के नाम से जाना था। और इन्होंने एक पद्धति दी, उस पद्धति का नाम था द्विनाम पद्धति। और उस पद्धति में उन्होंने बताया कि जो प्रत्येक जीव या प्रत्येक पादप, प्रत्येक जीव चाहे वो प्राणी हो या पादप हो, उनका नाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना होगा। कौन से शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर बना होगा, और वो दो शब्द होंगे, एक होगा जीनस अर्थात वंश और दूसरा होगा स्पीशीज, जिसे हम हिंदी में जाति के नाम से जाना जाता। तो ठीक है, क्या है प्रत्येक जीव के अंतर्गत आपके पादप भी आते हैं और जंतु भी आते हैं, तो दो शब्दों से मिलकर बने होंगे। पहली विशेषता है क्या, दो शब्दों से मिलकर बने होंगे। अब वो दो शब्द क्या है और किस प्रकार उनसे मिलकर द्विनाम पद्धति बनेगी, इस बात पे जानते हम। तो जो दो शब्द होंगे उनमें जो पहला शब्द होगा वह वंश, क्या होगा वह वंश, जिसे हम इंग्लिश में जीनस, क्या जीनस कहा जाता है। और जो दूसरा शब्द होगा वह जाति, क्या जाति को डिनोट करेगा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं स्पीशीज कहते हैं, क्या स्पीशीज कहते हैं। देखिए समझिए, आप सभी लोग जानते होंगे, हम एक बार कमेंट सेक्शन देख रहे हैं, चलिए वेरी गुड, काफी लोग वाच कर रहे हैं, सभी लोग आ जाएं ताकि हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर सकें, वेरी गुड। चलिए, तो लिनियस ने एक पद्धति दिया, उन्होंने बताया कि इस पद्धति में किसी भी पादप या जीव का नामकरण करने के लिए दो शब्दों से मिलकर हम नामकरण करेंगे, और जो दो शब्द होंगे उनमें जो पहला शब्द होगा वह वंश अर्थात जीनस को डिनोट करेगा, जबकि जो दूसरा शब्द होगा वह उस पादप या जीव की जाति या स्पीशीज को डिनोट करेगा, किसको स्पीशीज को डिनोट करेगा। अब हम आगे चलते हैं, तो हमने देखा दो शब्द होंगे, एक होगा वह उसके जीनस और दूसरा स्पीशीज को डिनोट करेगा। अब बात करें हम मनुष्य की, यदि हम साइंटिफिक नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम की बात करें, तो मनुष्य का जो साइंटिफिक नाम है वो है क्या, होमो सेपियंस, क्या है होमो सेपियंस। ठीक है, यही होगा होमो सेपियंस, क्या नाम होगा होमो सेपियंस। यदि हम बात करें मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा होमो सेपियंस। अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि जो साइंटिफिक नाम होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये दो शब्दों से मिलकर बना होगा।
अब यदि आप इसमें देखेंगे तो आपको पहला शब्द जो दिखाई देगा वह है होमो और जो दूसरा है वो है सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। आप यहां ध्यान रखिएगा तो यहां मैं लिखता हूं कितने शब्दों से मिलकर होगा, हमने लिख लिया है यहां पे लिख लिया है कि दो शब्दों से मिलकर बना होगा, पहला होगा वंश और दूसरा होगा जीनस अर्थात उसकी जाति को। तो मनुष्य का जो होमो सेपियन नाम है ये जो शब्द है ये उसके क्या वंश, ये जो पहला शब्द है उसके वंश या जीनस को क्या डिनोट कर रहा है, जबकि ये जो दूसरा वर्ड है दूसरा शब्द सेपियंस ये किसको उसकी जाति को, किसको उसकी स्पीसीज को या जाति को क्या कर रहा है डिनोट कर रहा है। अब समझिए तो इतनी बातें याद रखिए, तीन चीजें याद रखिए, तीन बातें याद रखिए। पहला होगा क्या? दो शब्दों से मिलकर होगा और पहला शब्द क्या होगा उसका वंश को डिनोट करेगा या जीन्स को डिनोट करेगा, जीनस को, और दूसरा शब्द उसकी जाति या स्पीसीज को डिनोट करेगा। अब तीसरी बात देखते हैं, तीसरी बात यह है कि या तीसरी विशेषता यह है कि जो दो शब्द होंगे इसका जो पहला शब्द, इसका जो पहला शब्द होगा, पहला शब्द का पहला अक्षर, पहला शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा, पहला अक्षर का पहला, पहला शब्द का पहला अक्षर कैपिटल अर्थात बड़ा अक्षर, ठीक है, बड़ा अक्षर या कैपिटल लेटर में होगा, बड़ा अक्षर में होगा। ध्यान दीजिए क्या होगा, पहला शब्द का, पहला शब्द का पहला लेटर, पहला शब्द का पहला लेटर कैपिटल लेटर में होगा। यहां पे देखिए आप, ये होमो सेपियन में जो एच है, एच ये पहला शब्द है होमो, दूसरा शब्द है सेपियन। समझिए बात को ध्यान से, ये होमो पहला शब्द है और सेपियन दूसरा शब्द है। हमने कहा कि पहला शब्द का पहला अक्षर बड़ा अक्षर में होगा, तो ये पहला शब्द होमो का ये जो पहला अक्षर है, पहला लेटर है वो है एच, होमो। ये किस लेटर में होगा? कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी बात करें, आगे चलें तो अगली विशेषता ये है कि दूसरे शब्द के सभी लेटर स्मॉल लेटर में होंगे। क्या होंगे? दूसरे शब्द के सभी अक्षर के सभी अक्षर क्या होंगे? वो स्मॉल लेटर में होंगे, अर्थात स्मॉल या छोटे लेटर होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे। दो चीजें या दो विशेषता हमने देखी। अगली विशेषता यह है कि इस होमो सेपियन जो वर्ड है, नाम है, एक नाम है होमो सेपियन, इसे इटैलिक किस लैंग्वेज में लिखेंगे? ये जो नाम होंगे साइंटिफिक नाम सभी लैटिन भाषा में होंगे। किस भाषा में होंगे? सभी लैटिन भाषा में होंगे। लेकिन एक मुख्य बात यह है कि ये जो साइंटिफिक नाम लिखे जाएंगे ये इटैलिक वर्ड में लिखे जाएंगे। किस प्रकार से? इटैलिक वर्ड में, अर्थात तिरछे अक्षर में। किसमें? तिरछे अक्षर। तो ये साइंटिफिक नाम है, ये तिरछे अक्षर जिसे हम इटैलिक कहा जाता, तिरछे अक्षर में लिखा जाएगा साइंटिफिक नाम, तिरछे अक्षर जिसे हम कहें वैज्ञानिक नाम को तिरछे अक्षर में लिखा जाएगा। और ये जो तिरछे अक्षर है इसे क्या कहा जाता है? इटैलिक। क्या कहा जाता है? इटैलिक। यदि आप कंप्यूटर या कंप्यूटर के अलावा यदि वर्ड ग्रिड नोटपैड में यदि आप वर्क करे होंगे या हमारे साधारण मोबाइल में ही वर्क करते हैं तो हमें देखने को मिलता है विभिन्न प्रकार के ऑप्शन निकलते हैं। कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक, ये दो पॉपुलर ऑप्शन है, एक बोल्ड और इटैलिक। इटैलिक में वर्ड जो होता है वो तिरछा हो जाता है नाम, और बोल्ड में वो कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है। क्या? बोल्ड हो जाता है। तो क्या देखा हमने? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की विशेषता है कि इसमें दो वर्ड होंगे, दो वर्ड में पहला वर्ड जीनस उस साइंटिफिक नाम की, उस स्पीसीज की क्या जीनस को शो करेगा, दूसरा नाम उसकी जाति को। तीसरी विशेषता हमने क्या देखा कि उसका जो पहला शब्द का पहला अक्षर स्मॉल लेटर होगा, बाकी सभी लेटर कैसे होंगे, पहला शब्द का पहला लेटर जो होगा वह कैपिटल लेटर होगा। कौन सा लेटर होगा? कैपिटल लेटर, बाकी सभी लेटर स्मॉल लेटर होंगे, और दूसरे शब्द के सभी लेटर भी स्मॉल लेटर होंगे, और ये सभी
लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। ये सभी किस नाम में किस लैंग्वेज में होते हैं, तो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और इन्हें इटैलिक लिखा जाएगा अर्थात तिरछे अक्षर में लिखा जाएगा। तो ये कुछ विशेषताएं थी किसकी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे कैरोलस लिनियस ने 1758 में प्रतिपादित या दिया था। अब बात आती है कि एक्चुअल में इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। सोनू पठारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सोनू जी, सभी लोग आ जाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब समझिए, ध्यान दीजिए, आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देता होगा, ध्यान से देखें आप लोग, ये कुछ इमेज दिखाई देती होगी आप जानी पहचानी सी, शायद आपके आंगन बाड़ी या घर खेत खलियान में ये आपको दिखाई देगी। समझिए मेरी बात को कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसकी हमें एक्चुअल में आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये आपको दिखाई देती होगी ये इमेज, इसे क्या कहा जाता है, इसे गौरैया या साधारण बात करें तो चिड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौरैया या चिड़िया की ये आपको इमेज दिखाई दे रही। अब हम बात करते हैं कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, समझिए मेरी बात। अब देखिए, एक ही जंतु को एक ही देश में अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है, समझिए मेरी बात को। मेरा कहने का मतलब ये है, एक ही जंतु या पादप को एक ही देश के अलग अलग राज्य होते हैं, अलग अलग जिला होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो एक ही जीव को एक ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, यदि हम इसे बात करें उत्तर भारत में बात करें, यहां पर ध्यान दें आप, इसे उत्तर भारत में गौरैया कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत में इसे गौरैया के नाम से जाना जाता है, और उत्तर भारत में इसे गौरैया के नाम से जाना जाता है, और इसे ही कर्नाटक, कहां पे, कर्नाटक में हाउस स्पैरो नाम से जाना जाता, किस नाम से, हाउस स्पैरो नाम से जाना जाता है कर्नाटक, इसे कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान दें इसे कर्नाटक में हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो नाम से जाना जाता है। और इसे आंध्र प्रदेश में पिचुका नाम से जाना जाता है, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, इसे पिचुका नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, पिचुका, और इंग्लैंड में इसे किस नाम से जाना जाएगा, तो हाउस स्पैरो नाम से इसे इंग्लैंड में जाना जाएगा। यदि हम स्पेन की बात करें, कौन सा, स्पेन की बात करें, तो स्पेन में इसे पार्डाल नाम से जाना जाएगा। स्पेन में इसे पारडाल नाम से जाना जाएगा। और हॉलैंड में इसे मुस नाम से, किस नाम से, यदि हम हॉलैंड में बात करें तो हॉलैंड में ही इसको, यहां पे आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा, हॉलैंड में आप इसको मुस नाम से जाना जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमारा एक ही देश है भारत देश में ये जो गौरैया नाम की चिड़िया है इसे लोकल लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है, चिड़िया या फिर गौरैया नाम से जाना जाता है। इसे जो उत्तर भारत की बात करें तो ये दिल्ली जम्मू कश्मीर इस वाले एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है, गौरैया नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में ही हमारा एक जो स्टेट है वह है कर्नाटक, बट इसे कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, पिचुका, किस नाम से, पिचुका, तो इसी को इंग्लैंड में हाउस स्पैरो नाम से जाना जाएगा। जबकि यदि हम बात करें स्पेन में तो इसे पारडाल, और हॉलैंड में मुस नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार मतलब एक ही जीव को विभिन्न विभिन्न इलाकों में या विभिन्न विभिन्न एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय भाषा या अंतरराष्ट्रीय विषय है कौन, जीव विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय विषय है,
तो अंतरराष्ट्रीय विषय में विभिन्न विभिन्न देश के व्यक्ति इसका अध्ययन करते हैं, और यदि एक जीव या एक प्लांट को लेकर इतने सारे नाम होंगे, इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, तो व्यक्ति फिर इन्हें कैसे जानेगा, पहचानेगा। तो इसी त्रुटि को सुधारने के लिए कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, और उसमें उन्होंने बताया कि जो जीव होंगे उनका एक साइंटिफिक नाम होगा जिसे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल में उस नाम से जाना जाएगा। जैसे मनुष्य, मनुष्य का क्या होमो सेपियन नाम है, क्या साइंटिफिक नाम होमो सेपियन, तो होमो उसका क्या है, उसका वंश का नाम डिनोट करता है, जबकि सेपियन उसकी स्पीसीज को। ये इंटरनेशनल नाम है। यदि आप इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जहां किसी भी देश में चले जाएं, आप मनुष्य को होमो सेपियन नाम से भी ही जाने जाएंगे, और अपने भारत में भी इसे होमो सेपियन नाम से ही जाना जाएगा। इसलिए जाना जाएगा क्योंकि ये एक क्या है, साइंटिफिक नाम है, और साइंस या जीव विज्ञान की बात करें एक अंतरराष्ट्रीय विषय है। इसलिए प्रत्येक जीव, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, सभी का एक मुख्य साइंटिफिक नाम रखा गया है, जिसे देश के अलावा, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र के अलावा विदेशों में भी उसी यूनिक नाम से ही जाना जाएगा। तो इतनी बात में आपको समझ में आ गई, चलिए वेरी गुड। तो ये है गोरैया, हाउस स्पैरो, पिच्छू का, गोरैया, विभिन्न नामों से जाना जाता। अब समझिए, तो हमने दो तीन बातें अध्ययन कर लिया। हमने क्या देखा, सबसे बात पहले बात किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, हमने बात कर लिया उसकी विशेषताएं भी देख लिया कि जीनस और स्पीसीज वगैरह। अब हम ज्यादा डीप में अध्ययन नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ जो जीव है, कुछ जीव है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इन नामों के साइंटिफिक नाम पूछा जाता है। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं। चलिए यहां पे आप देखेंगे तो ये पहला जीव आपको दिखाई देगा, ठीक है, ध्यान दें। ये जो जीव दिखाई दे रहा है आपको, इसे आप सभी लोग जानते होंगे, ये क्या है, फ्रॉग। क्या है, फ्रॉग, क्या दिखाई दे रहा, फ्रॉग। चलिए सभी लोग फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं, ये जो फ्रॉग है, फ्रॉग है अर्थात इसे मेढक के नाम से जाना जाता, इसका जो साइंटिफिक नाम होगा क्या होगा। विगत वर्षों के एग्जामों में, विगत वर्ष के पेपरों में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखें कि ये हमें साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए। फादर ऑफ, बात करें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसे जाना जाता, कैरोलस लिनियस, कब दिया था इन्होंने, ये सभी बातें हमने कर लिया। तो बात करें हम, कमेंट करें आप कि ये जो मेंढक है, मेंढक का यदि हम साइंटिफिक नाम की बात करें तो मेंढक का जो साइंटिफिक नाम होगा वह होगा राना टिग्राना। क्या होगा, राना टिग्राना। देखिए यहां पे इटैलिक में नहीं शो हुआ है और ना ही इसे अंडरलाइन किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आप लोग, इसकी मैंने विशेषता बता दिया है कि इसे पहला लेटर कैपिटल होगा, पहला शब्द का पहला लेटर कैपिटल होगा, और सभी अक्षर क्या होंगे, इटैलिक होंगे सभी दोनों शब्दों के। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा, यहां पे सीधे लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को मैंने बता दिया पूरा नियमावली या विशेषता। तो जो मेंढक है, मेंढक का साइंटिफिक नाम होगा वह होगा राना टिग्रीना। क्या होगा, राना टिग्रीना, ठीक है, आपको ये इमेज दिखाई दे रही। अब हम आगे बात करते हैं, अगला बात करें हम, तो अगला ऑप्शन क्या है, यदि हम इस पे बात करें तो आप देखेंगे कि जो अगला ऑप्शन है वह होगा ये आपकी मौसी, ये आपकी मौसी भी आ रही है, ठीक है। बिल्ली क्या होती है, बिल्ली को हम क्या बोलते हैं, कैट को, बिल्ली हमारी मौसी है, ठीक है, यही बोलते हैं ना। चलिए अब देखिए, ये जो बिल्ली है, कैट, कैट जो हमारे जो घर का दूध है यही खत्म करती है, ठीक है, याद रखें। तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है फेलस डोमेस्टिका। क्या है, फेलस डोमेस्टिका। तो बिल्ली का जो साइंटिफिक नाम होगा वह होगा फेलस डोमेस्टिका, याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है, यदि हम बात करें, अगला क्वेश्चन है बॉस इंडिकस, अर्थात किसका साइंटिफिक नाम है बॉस इंडिकस, तो ये आपको दिखाई देती होगी
गाय हमारी माता है, दूध देना इसका क्या है, काम है। ठीक है, दो कान एक नाक ऐसा पढ़ते हैं ना हम, ठीक है, यही है। तो ये है हमारी गाय, और गाय का यदि हम साइंटिफिक नाम की, तो गाय का साइंटिफिक नाम जो है वह है बॉस इंडिका। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। तो गाय होती है हमारी, दूध देती है, मतलब एक बॉस का रोल अदा करती है ना, बॉस का रोल अदा करती है, बॉस होती है गाय हमारी, तो बॉस इंडिकस। इसका नाम क्या होगा? बॉस इंडिकस। इसका साइंटिफिक नाम क्या होगा? बॉस इंडिकस। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वह आपको दिखाई देता होगा, यही है ना, भुन भुन करती रहती है आपके कान के पास, क्या है? घरेलू मक्खी। क्या है? घरेलू मक्खी। यदि हम इसके साइंटिफिक नाम की बात करें, चलिए, वेरी गुड नरेश कुलस्ते, चलिए भाई हम बात करें, यदि ये है घरेलू मक्खी। क्या है? घरेलू मक्खी। और यदि हम बात करें घरेलू मक्खी के साइंटिफिक नाम का, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका जो साइंटिफिक नाम होगा क्या होगा। चलिए मैं कमेंट सेक्शन पे थोड़ा सा देख रहा हूं, चलिए सभी लोग कमेंट करें, नरेश कुलस्ते सर कौन से एग्जाम की तैयारी करा रहे हो? भाई आपको पता होना चाहिए एनटीपीसी ग्रुप बी और जो भी वन डे एग्जाम जिनमें जीएस अर्थात जनरल साइंस से क्वेश्चन बनते हैं, वे सभी एग्जामों में आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए कमेंट करें, जो घरेलू मक्खी है इसका जो रासायनिक नाम होगा वो, सॉरी क्या साइंटिफिक नाम जो होगा वह होगा मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, यदि बॉटनिकल नाम की बात करें तो जो प्लांट होते हैं उनका क्या होता है? बॉटनिकल नाम होता है। कुछ रासायनिक चीजें होती हैं तो उनका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? केमिकल नाम, रासायनिक नाम। जैसे हमने विटामिन वगैरह का रासायनिक नाम पढ़ा है, विटामिन ए बी सी। ठीक है, इतनी बात है, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या है? तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये, चलिए कमेंट करके बताएं मुझे कि आपका जो किंग कोबरा है, इसी नाम से जाना जाता है ना, किंग कोबरा, तो आपका जो किंग कोबरा है इसका साइंटिफिक नाम क्या होगा? चलिए सभी लोग कमेंट कर दो मुझे कि जो किंग कोबरा है, किंग कोबरा का रासायनिक साइंटिफिक नाम क्या होगा। देखिए कोई बात नहीं, मुझे बार बार रासायनिक नाम आ जाता है तो आप लोग मैनेज करें, साइंटिफिक नाम पूछ रहा हूं। ठीक है, जो किंग कोबरा है आपका, इसने एक दादाजी है आपके, ये क्या है? दादाजी है हमारे। और इनका जो साइंटिफिक नाम बात करें, साइंटिफिक नाम क्या होगा? चलिए कमेंट करें सभी लोग, इनका साइंटिफिक नाम क्या होगा? तो इनका जो साइंटिफिक नाम होगा ओफियोफेगस हेना। क्या होगा? ओफियोफेगस हेना। स्पेलिंग यदि आप चाहें तो देख लें, ओ पी एच आई ओ एच ए जी यू एस एच ए डबल एन एन ए एच। ठीक है, ओपियोफेगस है ना। तो ये है किंग कोबरा का क्या साइंटिफिक नाम। चले अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि अगला उदाहरण देखेंगे हम क्या है। तो अगला जो उदाहरण बात करें तो यही है आपका क्या, चलिए मुझे कमेंट करें, आपको मैं दो इमेज दिखाता हूं, ये दो इमेज है, इन दोनों का रासायनिक नाम बता दें, सॉरी साइंटिफिक नाम बता दें, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, और इन्हें हम किसे शेर और किसे बाघ कहेंगे, क्या किसे लायन और किसे टाइगर कहेंगे। क्योंकि मैंने देखा बेसिक बहुत लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि शेर इसे कहेंगे या इसे कहेंगे, टाइगर किसे कहेंगे, लायन किसे कहेंगे, ये बहुत ज्यादा भ्रम है। क्योंकि दिखते लगभग दोनों सेम है, सेम नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन इनमें व्यक्तियों में क्या कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों में। चलिए सबसे पहले आप इसका शेर, इसे क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। ठीक है, शेर कहते हैं, शेर अर्थात इंग्लिश में बात करें तो इसे ही किस नाम से जाना जाता है? लायन। किस नाम से जाना जाता है? लायंस के नाम से जाना जाता है शेर को। और इसी का साइंटिफिक नाम क्या होगा? तो ये देखिए आप इमेज देखिए, ये इमेज बड़ी सी है, और इसका जो साइंटिफिक नाम होगा पैंथरा लियो होगा। क्या होगा? पैंथरा लियो। और इसे शेर कहा जाता है भाई, कंफ्यूजन दूर करें आज,
इसे शेर कहा जाता है, यदि किसी को कंफ्यूज होगा तो इसे शेर कहा जाता है। आपने जो माता रानी की एक स्तुति है, शेर पर सवार होकर आजा शेरा वालिये बोले जाता है ना, तो यही से यदि आप दुर्गा माता रानी की, ये अभी नवरात्रि में पिछले विगत कुछ दिनों चले गई माता रानी, तो आप देखेंगे यही पिक्चर होती है शेर की, जिस पर माता रानी विराजमान होती है यही शेर होता है, इसी की आकृति होती है, इसे ही शेर या लायन कहा जाता है। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, पैंथरा लियो। क्या होगा, पैंथरा लियो। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। चलिए एक बार हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। स्नेक का अध्ययन ऑफियोलॉजी, वेरी गुड नरेश। तिवंती सयाम सर नयम नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं सुमंती जी, मैं आपको स्पेलिंग भी बता दे रहा हूं और नाम मैंने बताया शेर। शेर का जो साइंटिफिक नाम होगा वो होगा पैंथरा लियो। क्या होगा, पैंथरा लियो। थोड़ा सा इसे मैं और जूम करता हूं, यदि आपको नाम दिखाई दे रहा होगा तो देख लीजिए आप, इसका जो साइंटिफिक नाम होगा शेर का वो होगा क्या, पैंथरा लियो। ये देखिए यही है आपका शेर, ये आपका कौन है, शेर है। तो ये शेर का साइंटिफिक नाम है पैंथरा लियो। क्या आपको सांप दिखाई दे रहा आप, चलिए चलिए नरेश कुलस्ते लायन पैंथरा टिग्रिस, जी नहीं भाई, टाइगर, टाइगर कहा जाता है। पैंथरा टिग्रिस आप जो नाम बता रहे हैं वो बाघ का नाम है, और बाघ को क्या कहा जाता है, पैंथरा। पैंथरा टिग्रिस किसका नाम है, तो यही कंफ्यूजन मैं आपको बता रहा था भाई साहब, कि एक्चुअल में जो कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को, यही दो पिक्चर है, यही दो पिक्चर है, इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। ये है आपका पैंथरा, जो आप बात कर रहे हैं बाघ, इसे क्या कहा जाता है, बाघ। यही है आपका बाघ, और इसे कहा जाता है शेर, इसे क्या कहा जाता है, शेर। इंग्लिश में इसे लायन कहा जाता है नरेश भाई, इसे नहीं कहा जाता, इसे पैंथर कहा जाता, ठीक है, यही कंफ्यूजन की बात कर रहा था मैं। तो ये है शेर, इंग्लिश में इसे लायन कहा जाता, और मैंने बताया ना कि नवरात्रि में माता रानी इसी शेर पे विराजमान होती है, और हमने स्तुति, शानदार स्तुति करते हैं कि शेर पे सवार होकर आजा शेरा वालिये, यही शेर पे सवार होती। आप इमेज करिए, आंख बंद करके एक बार इमेजिन करिए कि जो माता रानी हमारे गांव घर में आसपास में बैठती है यही शेर में बैठती है। आजकल ये शेर में भी बिठा देते हैं, क्योंकि क्या है, कलयुग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब हम देखते हैं अगला, कि ये जो पैंथरा है, ठीक है, पैंथर है, ये पैंथर, इसे हिंदी में बाघ के नाम से जाना जाता है। क्या, बाघ, इंग्लिश में पैंथर। और यदि हम इसके साइंटिफिक के नाम बात करें, साइंटिफिक नाम की, तो इसका जो साइंटिफिक नाम होगा पैंथरा टिग्रिस होगा। क्या होगा, पैंथरा टिग्रिस होगा। यदि आपको इसका जो साइंटिफिक नाम है वो दिखाई नहीं देता होगा तो मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, देख लीजिए आप लोग, क्या होगा, पैंथरा टिग्रिस। एक चीज याद रखिए, ये सभी इटैलिक होंगे, कैसे होंगे, इटैलिक अर्थात तिरछे होंगे, तिरछे अक्षरों में होंगे, और पहला शब्द का पहला लेटर, पहला शब्द का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सभी स्मॉल लेटर होंगे, इतनी बात याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग बताएंगे, आगे देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। अब हम देखिए, अभी तक हम विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं इनकी बात कर लिया, अब हम कुछ प्लांट, क्या लेते हैं, हम कुछ प्लांट लेते हैं और कुछ प्लांटों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक चीज और बच गया था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये शेष रह गया था, वो है आपका ये हाथी। क्या है, हाथी, बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी सूंड, ये देखिए ये क्या, हाथी। और यदि हम हाथी के साइंटिफिक नाम की बात करें तो एल्फास, एल्फास मैक्सिमस कहा जाता है। क्या, एल्फास मैक्सिमस। यदि इसे आपको साइंटिफिक नाम दिखाई देता होगा, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, ये है इसकी क्या, साइंटिफिक नाम। चलिए मैं इसे लिख देता हूं स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपने आवाज अर्थात माउथ से आपको
साइंटिफिक नाम लेके बता दे रहा हूं, इलेफस मैक्सिमस, ठीक है। ये किसका है? हाथी, हाथी का साइंटिफिक नाम। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला। हमने अभी तक विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं, जीवों की बात कर लिया, कुछ प्लांट्स देखेंगे हम, कुछ पादप देखेंगे, कुछ पादप देखेंगे और वे पादप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो और अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए बहुत सारे, ढेर सारी लिस्ट है साइंटिफिक नामों की, सारे साइंटिफिक नाम मैं नहीं करा सकता आपको, क्योंकि आप लोग समझदार हो और ये आपका काम बनता है कि आप क्लास के बाद साइंटिफिक नाम की लिस्ट खोलें और कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या देखते जाएं, उनके साइंटिफिक नाम देखते जाएं। ये प्लांट है, आपको दिखाई देता होगा, आप हिंदी में इसका नाम क्या होगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या। ये जो प्लांट है प्राय इसे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय प्लांट माना जाता और प्राय सभी लोगों के आंगन में इस प्लांट, ये प्लांट होता है। तो इसे यदि हम लोकल लैंग्वेज में बात करें हिंदी में, तो इसका जो नाम है वह है तुलसी। क्या नाम है? तुलसी। और इसके यदि हम साइंटिफिक नाम की बात करें, तुलसी, वेरी गुड नरेश, तुलसी बिल्कुल सही, सिवंती सयाम तुलसी बिल्कुल सही। तो ये जो ओसिमम, ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम क्या होगा? ओसिमम टेन्यू फ्लोरम। क्या होगा? ओसिमम टेन्यू फ्लोरम। क्या होगा? ओशियम टेन्यू फ्लोरियम। आपको दिखाई नहीं देता होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, ओसिमम टेन्यू फ्लोरियम फ्लोरम, ठीक है, ओसिमम टेन्यू फ्लोरम। याद रखिएगा ओसिमम, यहां पे थोड़ा सा ओवरलैप होगा, ओ कैपिटल में होगा, सी बाकी सभी क्या होंगे स्मॉल, ओसिमम टेन्यू फ्लोरियम, ठीक है, बबूल इनफिनिटिव क्लास। चलिए वेरी गुड, चले आगे हम देखते हैं, अगला प्लांट देखते हैं हम, उसका साइंटिफिक नाम क्या होगा। चलिए अगला साइंटिफिक नाम देखते हैं हम और बात करते हैं कि अगला जो एग्जाम्पल है उसका साइंटिफिक नाम क्या होगा। तो देखेंगे आप, ये है प्याज, जो आपकी आंख में आपके जो मोती होते हैं ना, आंख में क्या होते हैं आपके मोती, मोती को बाहर निकालने का काम यही करता है, कौन करता है, यही करते हैं। तो चलिए इसे यदि हम लोकल लैंग्वेज या हिंदी में बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है? प्याज, ऑनियन। क्या है? ऑनियन या प्याज है। यदि हम इसके साइंटिफिक नाम या वैज्ञानिक नाम, चलिए कमेंट करके बताएं कि मुझे एलियम शेपा, वेरी गुड एलियम शेपा, बिल्कुल राइट है नरेश भाई। थोड़ा सा आप लोग किसमें ध्यान रखेंगे, मैंने इसकी जो विशेषता है, जो गाइडलाइन है, जो नियमावली मैंने बता दिया, क्या बताया है कि आपने एलियम शेपा लिखा, इसमें एक कैपिटल लेटर में होगा, बाकी सभी स्मॉल होंगे और बाकी सभी क्या होंगे? इटैलिक होंगे, ठीक है, क्या होंगे? इटैलिक होंगे। तो ये है इसकी स्पेलिंग, ए डबल एल आई यू एम, एलियम शेपा की है, सी ई पी ए शेपा। थोड़ा सा इसे मैं जूम कर देता हूं, ये देखिए ये है एलियम शेपा, ये है इसका साइंटिफिक नाम। चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो एग्जाम्पल है वह देखते हैं हम, अगला जो एग्जाम्पल है वह है आंवला। क्या है? आंवला। आंवला देखते ही आपके मुंह में पानी आना चाहिए, ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, ठीक है, इसका सेक्शन कर देते हैं हम, इसे काट देते हैं तो आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा, वेरी गुड। देखिए ये है क्या? आंवला। और आपको पता होना चाहिए आंवला में कौन सा विटामिन होता है, तो आंवला में कौन सा विटामिन होगा? विटामिन सी। कौन सा विटामिन होगा? विटामिन सी होगा। और इसका यदि हम साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नाम होगा वो होगा फाइलेंथस इम्बलिका। क्या होगा? फाइलेंथस इम्बलिका होगा, ठीक है, फाइलेंथस
इम्ब्लिका होगा, स्पेल की बात कर दूं मैं तो पी एच वाई डबल एल ए एन टी एच यू एस ई एम बी एल आई सी ए, ठीक है, क्या होगा फाइलेंथस इम्ब्लिका। चलिए जूम कर देता हूं मैं, चलिए ये है, ये इसका क्या साइंटिफिक नाम है, विजन आई एस इंफिनिटिव क्लासेस। याद करने का कोई शॉर्टकट मेथड बताएं। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है कि इसे आप ट्रिकी मेथड से पढ़ना चाहते हैं या कॉन्सेप्चुअल बात करना चाहते हैं। यदि आप, मैंने बताया था कुछ चीजें हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। देखिए साइंटिफिक नाम के लिए बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे एनिमल है, बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे एनिमल है, लेकिन याद हमें सभी नहीं करना है। कुछ आप देख लें 20 से 30 साइंटिफिक नाम, और यही एग्जाम में पूछते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट 10 से 11 जो साइंटिफिक नामों की एक लिस्ट थी मेरे पास, जिन्हें मैंने इंपॉर्टेंट समझा उन्हें मैंने दिखा दिया, फिर भी बहुत सारी चीजें छूट गई हैं। जैसे आफिम 2016 या 17 का जो एमबीपीएससी का एग्जाम था उसमें अफीम, अफीम का साइंटिफिक नाम पूछा था। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार आप लोग एक श्रेणी एक लिस्ट बना के अध्ययन कर सकते हैं। और ये भाई विजन आईएस इंफिनिटी क्लास पूछ रहे हैं, याद करने का तरीका है ना, याद कैसे करें, तो याद कैसे करना, जिस प्रकार आप टैबलेट या दवाई लेते हैं 2 चम्मच शाम को 2 चम्मच सुबह, ठीक उसी प्रकार 1 से 2 बार आप दिन में क्या करते जाएं, रिलेट करते जाएं, 1-2 बार देखते जाएं, ऐसे आप 1 वीक करेंगे 1 सप्ताह करेंगे, ऑटोमेटिक आपको क्या होने लगा, याद हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो एग्जाम में आएंगे आप लोग क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारी प्रतिदिन क्लास शाम को 7 बजे होती है साइंस की, और मेरे जस्ट बाद 8 बजे एमपी टेट स्पेशल महासंग्राम अभिषेक सर बाल विकास की टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं। और यदि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया लाइक ठोक दें, और जो हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय लगभग 1.25 घंटे से 1 घंटा दिया। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय जवान जय किसान।